90s और 2000 में नोकिया का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। जिस तरह आज एप्पल और सैमसंग के पास मोबाइल इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा शेयर है, उसी तरह नोकिया भी एक समय पर इस मोबाइल इंडस्ट्री को डोमिनेट करती थी। नोकिया इंडिया में अपनी बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ और सुपीरियर कस्टमर सर्विस के लिए जानी जाती थी। मुझे आज भी याद है कि इंडिया में 2 मेगापिक्सल के साथ सबसे पहला कैमरा फोन नोकिया ने ही लॉन्च करा था। बट कुछ ही सालों में ऐसा क्या हो गया कि जो कंपनी एक समय पर लिटरली इंडिया पर राज करती थी, आज उसे फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है। आईफोन के लॉन्च से पहले तक नोकिया हर जगह खूब बिक रहा था। कहा जा सकता है कि नोकिया ऊंचाइयों को छूता हुआ अपने पीक पॉइंट पर था। बट 2007 में जिस दिन आईफोन लॉन्च हुआ, उसी दिन से नोकिया को मार्केट में अपना कंपेटिटर मिल गया। लोग आईफोन के टच इंटरफेस और उसकी एप्लीकेशन से बहुत खुश थे, और देखते ही देखते आईफोन ने कुछ ही समय में मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली। आईफोन से कम्पीट करने के लिए नोकिया ने भी अपना टच इंटरफेस वाला फोन निकाला, और उनकी रेप्यूटेशन को देखते हुए वो बिका भी। बट आईफोन की तरह उस फोन ने लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करी। मीडिया के थ्रू नोकिया अपना कंपैरिजन आईफोन के साथ उनके हाई प्राइसेस को लेके करता रहा। नोकिया और एप्पल के बीच कंपटीशन चल ही रहा था कि इतने में 2008 के अंदर गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गया। गूगल ने अपना एंड्रॉयड ओएस सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी ओपन सोर्स लॉन्च करा, जो कि वो आज भी है। कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहे तो वो बिना गूगल को कोई पैसे दिए अपने फोन में उनका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकता है। एंड्रॉयड के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल का हाथ था, तो जाहिर सी बात है कि इनके इस मोबाइल ओएस पर दिन रात उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम की तरफ से काम चल रहा था। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मार्केट में जितने दूसरे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे, सबने एंड्रॉयड को अपनाना शुरू कर दिया। सैमसंग भी उन्हीं में से एक था। नोकिया ने फिर तुरंत अपने मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन पर जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया। सिम्बियन के अलावा उन्होंने एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च करा था, बट कुछ सालों में वो फ्लॉप हो गया। मार्केट में हर बीतते दिन सिचुएशन इतनी तेजी से बदलती चली जा रही थी कि उसे समझने के लिए नोकिया कम से कम $5 बिलियन अपनी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पर खर्च कर रहा था। $5 बिलियन उस समय पूरी फोन इंडस्ट्री का 30% रेवेन्यू हुआ करता था। नोकिया अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे फेंकने को तैयार था, बट उनकी मैनेजमेंट में इनोवेशन करने या समझने के लिए कोई रेडी नहीं हुआ। क्वालकॉम कंपनी, जिसकी चिप्स आज बड़े बड़े स्मार्टफोन्स में यूज होती है, उसने कहा था कि हम नोकिया और बाकी कंपनीज के पास अपने प्रोडक्ट के जरिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर गए थे। बट नोकिया की मैनेजमेंट ने 6 से 9 महीने तो डिस्कशन में ही लगा दिए। इतने में तो उनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी फिसल चुकी थी। यहां तक कि नोकिया का स्मार्टफोन डिवीजन मैनेजमेंट एंड्रॉयड अपनाने से साफ मना कर चुका था। बड़ी हंसी आती है ये सोचते हुए भी कि उस वक्त उनकी मैनेजमेंट का कहना था कि एंड्रॉयड को अपनाना मतलब अपनी खुद की पैंट गीली करना जैसा है। 2010 में नोकिया ने एक नए CEO के रूप में स्टीवन इलोप को हायर करा। स्टीवन इलोप मैक्रोमीडिया में काम कर चुके थे, जिसे बाद में एडोबी ने खरीद लिया। फिर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनके ऑफिस प्रोडक्ट पर काम करा। स्टीवन के नोकिया में CEO बनते ही उन्होंने कई डिविजन्स और प्रोडक्ट्स बंद करवाए, जो कंपनी को लॉसेस में लेके जा रहे थे। बट इंटरनली इससे कंपनी के अंदर कियोस मच गया। कंपनी में हर कोई अपनी जॉब बचाने के लिए नए CEO के साथ हां में हां मिलाने को तैयार था। 2011 में स्टीवन इलोप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप का डिसीजन लिया और अपने फोन की नई सीरीज नोकिया लूमिया लॉन्च करी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप करा हुआ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था। यहां गंभीर बात सोचने वाली ये आती है कि नोकिया को आखिर उनके ओएस के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत क्या थी, जो शुरू भी स्ट्रगल करते करते हुआ और खत्म भी स्ट्रगल करते करते हुआ। मार्केट में अच्छा भला एंड्रॉयड ओएस फ्री में पड़ा हुआ था,
जब ओएस डालना ही था तो एंड्रॉइड उठा के डाल देते। कहते हैं कि स्टीवन इलोप को ये डील करवाने के लिए अलग से कुछ बोनस भी मिला था। फिर आगे जाके जब उन्होंने पूरी नोकिया कंपनी ही माइक्रोसॉफ्ट को बिकवा दी, तब उनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें उनका कुछ पर्सनल शेयर अलॉट करा गया था और उन्हें वापस माइक्रोसॉफ्ट में रख लिया गया। शॉर्ट में कहूं तो कुछ पैसों की रिश्वत के लिए उसने पूरी नोकिया कंपनी की धज्जियां उड़ा दी। 1865 से चलती आ रही ये कंपनी नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू एक्वायर होते ही एक झटके में खत्म हो गई। हालांकि आगे जाकर माइक्रोसॉफ्ट भी अपने स्मार्टफोन्स का कभी भला नहीं कर पाया, लोगों ने विंडोज ओएस अपनाने से ही इनकार कर दिया। अब जब नोकिया कंपनी का सब कुछ खत्म हो चुका है, वो फिर से किसी तरह एंड्रॉइड के साथ मार्केट में कदम रखना चाह रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ करा हुआ उनका कॉन्ट्रैक्ट अब फाइनली खत्म हो चुका है। रियलिटी में आज नोकिया के पास अपना कमाया हुआ एक पैसा भी नहीं है, अगर है तो सिर्फ एक चीज, अपने सालों का कमाया हुआ नाम नोकिया। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग HMD ग्लोबल और फॉक्सकॉन कंपनी को आउटसोर्स कर दी है। और बड़ी हैरानी की बात है कि HMD ग्लोबल कंपनी नोकिया के ही कुछ एक्स एम्प्लॉइज ने मिलकर खड़ी करी है। HMD ग्लोबल ने ठान लिया है कि वो वापस से नोकिया को उसकी सही जगह पर पहुंचा कर रहेंगे।